सिलाई सीखो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द। फ्रेंड्स, सिलाई सीखो से मैं सरिता शर्मा। आज हम बनाएंगे डोरमेट। उसके लिए आप कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। और एक लेंगे हम न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पर हम पहले पैटर्न की कटिंग करेंगे। पेपर को हम फोल्ड करेंगे, फिर इसको फोल्ड करेंगे। फोर फोल्ड में इसको हमने फोल्ड कर लिया है। अब जहाँ पर हमारा डबल वाला साइड है, इस वाले साइड को हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। ये कॉर्नर जो है यहाँ पर बिल्कुल ठीक से आप इसको करें। उसके बाद जो है यहाँ से ऐसे लेंगे। अब ये हमारा ओपन पार्ट है, ये हमारा फोल्ड वाला साइड है। इस वाली साइड से हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से जो आप लेंगे इसका साइज़ जो है, ये देखिए, जो भी साइज़ लेंगे आप, जैसे मैंने यहाँ से 9 इंच लिया तो 9 इंच का यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। ऐसे ही 9 इंच लेंगे और 9 इंच का निशान हम यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद ये हमारा निशान हो जाएगा। अब इनकी हम कटिंग करेंगे। यहाँ से ये जो 9 इंच हमने लिया है, हम इसको यहाँ से लेंगे, ये देखिए, इस तरीके से, और ऐसे कर कर हम इसको गोल घुमाएंगे। और यहाँ से 9 इंच या थोड़ा सा भी आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं शेप देने के लिए। ये देखिए, इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे और ये हमारा फ्लावर बन जाएगा। ये देखिए, साइज़ आप छोटा बड़ा कोई भी ले सकते हैं। देखिए, पेपर की कटिंग हमने कर ली है। अब हम एक कपड़ा लेंगे, उस कपड़े के ऊपर हम इस पैटर्न को रखेंगे और ये हमारे जो डिज़ाइन है इसको हम ड्रॉ करके इसकी कटिंग कर लेंगे। आप पिन लगाकर भी आप इसको सेट कर सकते हैं और फिर इसकी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे ही निशान लगाकर आप इसकी कटिंग कर लें। ये देखिए, कपड़े की कटिंग हमने कर ली है। अब आधा आधा इंच जो है यहाँ पर हम निशान लगाएंगे सभी में। आधा इंच का निशान लगाते हुए इसकी हम कटिंग कर लेंगे आधा इंच पर, ये इस तरीके से। ये हमारी शेप जो है यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम निडल से इसको, ये देखिए, ऐसे फोल्ड करेंगे। यहाँ से जो आधा इंच हमने फोल्ड किया इसको यहाँ से ऐसे लेंगे और इस पर हम जो है कच्चा कर देंगे इस तरीके से गोल घुमाते हुए। ये देखिए, इस तरीके से जो है हम कच्चा करते हुए पूरे में इसको कंप्लीट कर। देखिए, कच्चा हमने इसको कर लिया है। अब हम स्ट्रिप काटेंगे। लेंथ आप स्ट्रिप की कितनी भी ले लें। उसके बाद हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम स्ट्रिप काटेंगे। देखिए, हम एक छोटी स्ट्रिप काटेंगे। छोटी स्ट्रिप की जो है लेंथ और विड्थ मैंने ली है। लेंथ मैंने ली है 3 इंच और इसकी विड्थ ली है 2.5 इंच। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। इसको हम ऐसे रखेंगे और ऐसे ही हम जो है अलग अलग कलर के ऐसे हम पीस काटते जाएंगे। तो जो मैंने कटिंग कर ली हैं कुछ ये हैं, ये देखिए और ये देखिए। अब हम इनको लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम बीच में एक सर्कल बना लेंगे। ये देखिए, सर्कल के लिए मैंने प्लेट का यूज़ किया है। इस तरीके से हम निशान लगाएंगे और एक सर्कल बना लेंगे। अब हम इसे लगाना स्टार्ट करते हैं। लगाने के लिए आप कोई भी कलर लगा सकते हैं। सबसे पहले बीच में हम इसको लगाएंगे। मैं येलो कलर लगाऊंगी। इसको हम इस तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे, ये ऐसे करकर, और इसको जहां पर हमने ये निशान लगाया इस निशान के पास हम ऐसे रखेंगे और मशीन चलाएँगे, ये ऐसे। फिर ऐसे ही हम दूसरा पीस लेंगे और इसको ऐसे रखेंगे। ऐसे करते हुए हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बीच का डिज़ाइन हम पूरा कर चुके हैं। इसको लगाना कैसे है अब ये देखिए, मैं इसको यहाँ पर आपको पूरा जो है बताऊँगी। इसे फोल्ड करना है जैसे हमने येलो लगाया था, सेम ऐसे ही हमने इसको ऐसे लगाना है, ये ऐसे कर कर। और ये जो हमारा डिज़ाइन जो कॉर्नर इस तरीके से घुमाकर है, इस पर हमने इस तरीके से ही बनाना है ऐसे कर कर। और ये जो इसका पोर्शन है, ये ज़्यादा बाहर ना निकाल के इसको थोड़ा सा हमने अंदर की साइड से करना है, ये ऐसे, ताकि हमारी शेप जो है वो अच्छी तरीके से आ सके। या फिर आप इसकी जो है थोड़ी सी कटिंग आप बाद में भी इसको कर सकते हैं।
अब सेम ऐसे ही करना है जैसे हम और लगाते हुए इस। ऐसे लगाते हुए हम पूरे को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम जो है पीच में लगाएंगे, साइड में हम लगा चुके हैं। करना सेम ऐसे ही है, लेकिन आप दो तरीके से लगा सकते हैं। इसको इस तरीके से ऐसे लगा सकते हैं, या फिर इसको ऐसे ही रहने दें और इसके बाद हम इसको ऐसे लगाएंगे। तो जो हम लगा रहे हैं वो हम इस तरीके से ही लगा रहे हैं। ये देखिए, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, जितना ये गैप यहाँ पर जो होगा उसमें हम लगाएंगे इस तरीके से, और इसके साथ में टच करते जाइए। फ्रेंड्स, हमारा फ्लावर डोरमेट बनकर रेडी हो चुका है। मेरा और है सरिता शर्मा के नाम से, आप उस चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। उस चैनल पे आप मुझे नाचते गाते हुए देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।